तो नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सत्या सपोर्ट में, और मैं हूँ ऋषभ। दोस्तों तो देखिए, आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको लेकर आया हूँ कन्या सुमंगला योजना। आज हम बात करेंगे कन्या सुमंगला योजना क्या है और कैसे हम इसका लाभ उठा सकते हैं, कैसे हम इसका फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि कन्या सुमंगला योजना के लिए हमने अपने चैनल पर एक वीडियो और डाली थी, लेकिन आज हम इसमें बताएंगे आपको कैसे इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन खुद से कन्या सुमंगला योजना के लिए। तो सबसे पहले अगर हम कन्या सुमंगला योजना की बात करें तो आप चेक करने के लिए इसको अपना गूगल का जो होता है ब्राउज़र, उसको ओपन कीजिए या फ़ोन में गूगल को ओपन कीजिए और वहाँ पर आप लिख दीजिएगा कन्या सुमंगला योजना। जब आप कन्या सुमंगला योजना सर्च करेंगे तो देखिए, आपको सेकंड नंबर पे मतलब नीचे की जो वेबसाइट आपको देखनी है कि mksy.up.gov.in, ये वाली वेबसाइट जो आ रही है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब देखिए क्या है कन्या सुमंगला योजना। तो कन्या सुमंगला योजना एक ऐसी योजना है जिसमें उत्तर प्रदेश की जो भी हमारी बेटियां हैं, जो भी हमारी बहनें हैं जो पढ़ाई करती हैं, उन्हें सरकार आर्थिक रूप से मदद दे रही है इसमें। और ये 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक की मदद वन टाइम सरकार आपको दे रही है, और एक साल में। तो अगर हर साल आपको, अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हर साल आपको, अगर आपकी हिसाब से होता है, अगर आपकी उम्र के हिसाब से होता है, आपकी क्लास के हिसाब से आप कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं, तो उसी हिसाब से आपको हर साल 2,000 से लेकर 5,000 तक की राशि सरकार देती है, उत्तर प्रदेश सरकार। तो डिटेल में आइए बात करते हैं, और अगर आप और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमने अपनी वेबसाइट का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप कोई वीडियो प्ले करें और उसके नीचे डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे तो वहां पर वेबसाइट लिंक करके एक लिंक मिल जाएगा, वहां पे भी पढ़ सकते हैं। अब देखिए मैं आपको ले चलता हूं, तो हम जानेंगे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है और किसके लिए कितने रुपए मिलते हैं। तो ये तो देखिए इंग्लिश में, और यहां पर नीचे देखिए हिंदी में भी दे रखा है। तो ये जो है 1/4/2019 को या उसके बाद जन्म लेने वाली बालिका को 2,000 रुपये की एक मुफ्त धन से लाभान्वित किया जाएगा। मतलब 2,000 रुपये की राशि मिलेगी उन बालिकाओं को, उन बेटियों को जिनका जन्म 1/4/2019 को या उसके बाद जो है हुआ है। अब 1,000 रुपये किसे मिलेंगे, तो 1,000 रुपये जिन बालिकाओं को पूर्ण टीकाकरण प्राप्त हुआ है और जिसका जन्म 1/4/2018 से पहले नहीं हुआ है, मतलब 1/4/2018 से और 1/4/2019 के बीच में जिन बालिकाओं का जन्म हुआ है उनको 1,000 रुपये मिलेंगे, और उनकी जो आयु है वो कम से कम 2 वर्ष होनी चाहिए, तो 1,000 रुपये उन्हें एक साल में मिलेंगे। और देखिए चालू शैक्षणिक वर्ष जिस बेटी ने आपकी या जिस बालिका ने, जिस छात्रा ने कक्षा एक में दाखिला लिया है, उसको 2,000 रुपये की राशि मिलेगी एक बार साल में, और उसकी जो उम्र है वो लगभग 3 साल होनी चाहिए कम से कम। अब हम बात करें तो देखिए कक्षा छः में जिन्होंने दाखिला लिया है उनको भी 2,000 रुपये मिलेगा, और बालिका की जो आयु है वो मिनिमम 7 वर्ष होनी चाहिए, 6 स्टेज हैं। तो अगर 5वीं स्टेज की बात करें तो जिस छात्रा ने कक्षा 9 में दाखिला लिया है, जो कक्षा 9 में पढ़ रही हैं, दाखिला लिया है जिन्होंने, तो उन बेटियों के लिए 3,000 रुपये देगी सरकार, और उनकी जो उम्र है वो कम से कम 10 साल होनी चाहिए। और अगर मैं सबसे लास्ट स्टेज 6वीं स्टेज की बात करूँ, तो वह बालिका जिसने आर्मी को उत्तीर्ण करके स्नातक में, डिप्लोमा में या किसी भी कोर्स में एडमिशन लिया है, तो उसको 5,000 रुपये की राशि मिलेगी, और उसकी जो उम्र है वो कम से कम 12 वर्ष होनी चाहिए। तो ये था देखिए प्रोसेस। अब इसका फॉर्म कैसे भरा जाता है, तो फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है वो ये है। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। आपको देखिए वहाँ पर जो आ रहा था टैब, ये वाला मैं दिखा देता हूँ, अप्लाई हेयर, तो यहाँ पर क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर ऐड बेनिफिशियरी, आपको सारी डिटेल भरनी होती है, उसके बाद आपको फॉर्म फिल करना होता है, और उसके बाद SDM BDO वगैरह इसको चेक करते हैं, उसके बाद कहीं जाके आपका जो फॉर्म है वो सबमिट होता है। तो ये है इसका प्रोसेस। अब कैसे आपको भरना है वो मैं आपको बता देता हूँ, या आप अगर फ़ोन से चेक कर रहे हैं आप नहीं भर पा रहे हैं तो आप अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र, किसी कैफ़े पर भी भरवा सकते हैं। अब इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, तो देखिए सबसे पहले तो एड्रेस प्रूफ की स्कैन कॉपी, तो मतलब आपको ये खुद तो नहीं भर पाएंगे, आप किसी कैफ़े पर इसको भरवा सकते हैं। एड्रेस प्रूफ की स्कैन कॉपी, आइडेंटिटी प्रूफ की स्कैन कॉपी, वोटर आईडी की स्कैन कॉपी, मतलब आइडेंटिटी प्रूफ या वोटर आईडी की स्कैन कॉपी ऑप्शनल है।
बैंक अकाउंट नंबर, पासबुक, मदर एंड फादर एंड गार्जियन और सेल्फ, मतलब माता पिता का बैंक अकाउंट का पासबुक स्कैन कॉपी और जिसका भरा जा रहा है वह उसकी स्कैन कॉपी। अगर माता पिता मतलब कोई नहीं है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट जो होगा उसकी स्कैन कॉपी लगेगी। इसके नीचे मैं आता हूँ आपको बता देता हूँ, तो डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन अंडर स्कीम, तो लेटेस्ट गर्ल चाइल्ड फ़ोटो, मतलब आपकी जो बच्ची है या आपकी जो बेटी है उसकी लेटेस्ट फ़ोटो, तुरंत की फ़ोटो। और एफिडेविट सर्टिफिकेट, मतलब एफिडेविट लगेगा कि कौन से क्लास में पढ़ रही है। ज्वाइंट फैमिली फ़ोटो लगेगा, एक पूरी फैमिली का फ़ोटो लगेगा। और उसके बाद देखिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर स्टेज वन, तो जब पहला स्टेज मतलब पहली स्टेज की जो रिक्वायरमेंट है, जो 2000 रुपये वाली स्कीम है उसके लिए, बेटी है आपकी उसका सबसे मतलब लेटेस्ट फ़ोटो जो होता है, सबसे तुरंत का फ़ोटो, ज्वाइंट फैमिली का फ़ोटो, एफिडेविट और बर्थ सर्टिफिकेट आपको देना होगा। देखिए जो आपकी इसमें आप उम्र पढ़ सकते हैं कि मतलब कितनी उम्र होनी चाहिए बच्ची की, और देखिए सेकंड में भी वही है, तो आपको सारा कुछ वही है। अब आप ये इसमें देखिए 6 स्टेज हैं, 6 स्टेज के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स की, आप सारा कुछ खुद से ही पढ़ सकते हैं। फिलहाल मैं फॉर्म आपको खोल के दिखा देता हूँ। तो देखिए फॉर्म खोलने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको ये जो अप्लाई हेयर का ऑप्शन आ रहा है इस पर आप कर देंगे क्लिक हेयर पर। तो अप्लाई हेयर पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको यहाँ पर कुछ स्कीम्स या कुछ कंडीशंस दिए होंगी कि आगे संचार के लिए वैध मोबाइल नंबर प्रदान करें और सारी जानकारी। तो आपको यहाँ पर मैं सहमत हूँ पर क्लिक करके कंटिन्यू करना है। अब यहाँ से देखिए आपका फॉर्म हो जाएगा ओपन, ये आप यहाँ से भर सकते हैं। और आप इसको कैफ़े पर ही भरवाएंगे क्योंकि स्कैन कॉपी तो आप नहीं ला सकते कहीं से, क्योंकि वो प्रिंटर से और उसकी जो JPG और उसकी जो क्वालिटी होती है, उसका रिजोल्यूशन जो होता है वो सारा सेट करना होता है, तो फ़ोन से वो संभव नहीं हो पाएगा। तो आप किसी कैफ़े पर चले जाइए और वहाँ से इसके लिए अप्लाई करा दीजिए। हालांकि वीडियो जो है वो आपको बहुत ज़्यादा लाभदायक है ये, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बता दीजिए हमें वीडियो आपको कैसी लगी।